हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अनबॉक्सिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने एथनिक कॉटन नाम की वेबसाइट से येलो शर्ट परचेज किया था, वो जो मैंने आज पहना भी है, लेकिन इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आफ्टर यूसेज, मैंने 2 महीने इस शर्ट को यूज़ किया, वॉश किया, तो आफ्टर यूसेज इसका रिव्यू मैं करूँगा। तो पहले बात करते हैं कलर की। तो सबसे व्यूअर के मन में यही एक सवाल होता है कि क्या वॉशिंग के बाद क्या कलर फेड होता है, कलर जाता है? तो मैं कहूँगा नहीं, वॉश करने के बाद कलर फेड नहीं होता है। मैंने अनबॉक्सिंग के वीडियो में बताया था कि जो वेबसाइट पर जो फोटोज़ के कलर है और मुझे एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो इसमें थोड़ा कलर थोड़ा मिसमैच रहता है, मतलब कि लाइट कलर मुझे मिला था, लेकिन फिर भी इसको वॉश करने के बाद कलर नहीं जाता है तो कलर फेड नहीं होता है। दूसरी बात कि आप इसे वॉश करें तो इस शर्ट को यूज़ करें तो कुछ केयर भी आपको रखनी पड़ेगी। इस शर्ट को आप दूसरे कपड़ों के साथ मत डालिएगा। दूसरा कि हर बार आप पहने इनसे पहले इस्त्री, हर बार वॉश करें तो इस पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा कि हो सके तो इस शर्ट को आप वॉशिंग मशीन में ना डालें, हाथ से धोना प्रीफर करें। बात करते हैं इसके फैब्रिक की। तो फैब्रिक आप देख सकते हैं, इसका फैब्रिक तो अच्छा है कॉटन का, लेकिन शर्ट के आर पार सब कुछ दिख जाता है। मैंने ये देखो अंदर बनियान पहनी है और आप देख सकते हो कि अंदर भी सब कुछ दिख जाता है। तो फैब्रिक थोड़ा पतला सा दिखता है लेकिन शर्ट के आर पार सब कुछ दिख जाता है। तो ये फैब्रिक का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये शर्ट में आपने कुछ बनियान भी पहना हो तो वो तुरंत शो हो जाता है कि आपने अंदर कुछ पहना है। अंदर कुछ नहीं पहना होगा तो आपकी बॉडी भी दिखती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है फैब्रिक का। बात करें फिट की, तो मॉडर्न फिट का शर्ट है तो इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा है। अब तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कुछ टूट गया हो, फट गया हो, तो ऐसा कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसका कॉलर भी अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मैं इस शर्ट को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।